जी वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ गए हैं जनाब। ते जिवें ही तू पहले सर नाल असमाविया हन ते गाल थींदी पई है हम निसाबी सरगर्मियां दे हवाले नाल, तो हुण भी सर नाल एजी मेहमान मौजूद हैं जिन्हां दे नाल असां गाल करे सूं, क्योंकि सारा मकसद ही होंदे कि स्टूडेंट्स जिहड़े हैं इस तरह कोई जज्बा रखे ने नगू ते वधण दा या हम निसाबी सरगर्मियां दे विच हिस्सा गिंदे रहे ने। एजुकेशन दे नाल नाल इह चीज़ां होणियां चाहीदियां क्योंकि सारी अमली तरबियत भी करे ने, साको अगे ते वधण दा हौसला भी देने ते सारी जिहड़ी रुचि मेहमान हैं वह भी जनाब इवें ही हैं कि उन्होंने तकरीरी मुकाबले में थर्ड पोजिशन की है डिस्ट्रिक्ट लैवल से। सन्नल मौजूद हैं मारिया किरण, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मारिया, ठीक ठाक ही वे? अच्छा मारिया ने तकरीरी मुकाबला विन किए तो तुसा डिस्ट्रिक्ट लैवल से, क्या फीलिंग्स हैं हूँ वाले मारिया दिया? बस उस टाइम जरा प्रेशर भी होंगे कि कंपीटिशन है, वल जिस टाइम रिजल्ट अनाउंस हुआ ना उस वो मतलब हुई है कि मतलब सरप्राइज आई है कि मेरे वास्ते सही कि बहु मतलब मेरे को अप्रिसिएशन मिली है कि काफी, यानी कि 8 को मुकाबले थे 23rd को रिजल्ट आया है। हाँ तो वाले सारा अरसा की में एक काफी कश्मकश दे विच गुजारा होती है। रिजल्ट अनाउंसमेंट उसी दिन थी गई है कि 23rd पोजीशन है। अच्छा, लेकिन जिवें उन्हें नोटिसेस वगैरह भेजे हैं उसके मुताबिक है कि हतमी फैसला जो अनाउंस हो सी 23rd को सी, मतलब ज्यादा तो वो होता है कि जो उसने उन्हें अनाउंस कर छोड़े वो सी, वो रिजल्ट पता है लेकिन प्राइस का पता कोई ना है भी कितना सी या किवें मिल सी, ओ मैं कुहाई थोड़ा जिया 23rd को चंगा मतलब वो है कि सही में, यानी तुसा शुरू तो ही इंदे विच आवे, शुरू तो ही तो कुम इन तरह दे कंपटीशंस विच हिस्सा घिनन दा शौक है? हां जी, मैं 2 क्लास तो स्टार्ट कीता ये कंपटीशंस विच हिस्सा करना, या रेसिटेशन विच भी कीता है, कंपटीशंस करेनिया, नात मुकाबले हुंदे नो दे विच भी हिस्सा लेनिया, ते डिबेट्स वगैरह स्पीचेस वगैरह इंदे विच भी हिस्सा लेनिया। सही। अच्छा क्या टॉपिक है जिंदे ते तुसा तकरीर कीती, क्या टॉपिक है तुहाडा हुमले? क्या मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, क्या मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है? हां जी सही, ये मेरा डिबेट है, उस विच मैं फेवर च बन सकदी हां मैं अगेंस्ट भी, ते मैं दी फेवर च हां, मैं फेवर च हां जी। सही। अच्छा इन तुहाडी कौन हेल्प कीती, जिवें हुंदे ना कि तकरीर कोई भी करन वास्ते जिहड़ा कुछ तुसा लिखदे वे उंदा मवाद कलेक्ट करन वास्ते कोई ना कोई तुहाडी हेल्प करेंदे? हां जी, मेरे कॉलेज सोर्सेस क्या हन? मेरे कॉलेज दे टीचर्स हन उर्दू जिहड़े पढ़ेंदे नु था, मेरा तो फिलहाल सब्जेक्ट कोई नहीं उर्दू, लेकिन उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प की थी, मेरी मटेरियल लिखने से काफी मतलब पॉइंट्स वगैरह दे के या शेर वगैरह दे के नाल वल जिमे लहजा बनाना होता है वो तो डिफरेंट मवाद के मुताबिक होता है ना वल, वो भी उन्होंने मेरी काफी हेल्प की थी, उसकी तैयारी करवाई है मेरे कॉलेज के टीचर्स। सही, बिल्कुल बहुत अच्छी गल है कि इतनी ज्यादा उन्होंने तुम्हारी हेल्प की, तो यो ही होंगे। अच्छा घर के विचों कितनी सपोर्ट मिली तक? काफ़ी सपोर्ट मिली है, मतलब मेरे पेरेंट्स की दुआएं तो हर कह नाल होन दी, लेकिन मतलब सिस्टर मेरी घर सुन के वल मेरी तैयारी करवा के प्रैक्टिस बार बार करवा के वल मेरा एक्सेंट से सही करवाने घरों बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। सही। सिर्फ तुसा तकरीर ही अखेंदे वे या हम या नात या इन तरह भी कुछ पढ़ दे वे तुसा? मैं तकरीर भी अखेनी, नात भी पढ़नी, तिलावत भी करें दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छी गल है। ते नाल नाल वल एजुकेशन दा सिलसिला किवें रखेंदे वे? एजुकेशन का सिलसिला मतलब ओवरऑल होल द ईयर तो नहीं है, कंपीटिशन वगैरह होंगे बल जो टाइम उस वास्ते होंगे उस टाइम उन्होंने भी जरा वो कर लेने, बाकी सारा टाइम एजुकेशन दे। सही, यानी एजुकेशन बिल्कुल नहीं मुतासर थी भी नाल गिन दे, कोशिश करनी दी कि वो ना मुतासर थी वे क्योंकि वो तो सारी गले कैरियर साडा उस ते वो करना पे होंगे। बिल्कुल सही। ते ये दसाओ कि तुसा हुण तक कितने मुकाबलों दे विच हिस्सा घिन चुके वे? इतना मैं कोई एग्जैक्ट याद तक है नहीं, लेकिन 2 क्लास तो जिम्मे मैं शुरू किया ना स्कूल लैवल से बहुत ज्यादा किया, मैं डिस्ट्रिक्ट लैवल डिवीजन लैवल का हूँ मैं शुरू किया लास्ट ईयर, क्योंकि पंजाब के हूँ शुरू है वजीर आला दे, लास्ट ईयर भी मैं किया मैं पार्टिसिपेट, इस दफा भी किया मैं, मतलब ये बड़े लैवल से ये किया मैं, वरना स्कूल लैवल से बचपन तो करें दिया हूँ। ओ याद आंदी मारी नन्नी मुन्नी छोटी छोटी जड़े खड़ी होंदी उसी डाइस ते पेरेंट्स ते टीचर्स नु अगर मिली वे स्कूल आले नु ओ बहुत याद दिवेन भी ओ उन्हाने ते इवें मेरे को मुखाते भी उसे उस नाल करेन भी छोटी जी मैं मतलब मेरे स्कूल च मैं मशहूर आई के बहुत ही चिड़िया दी आवाज मेरे नाना बू मेरे को आखाई भी जने मैं 2 क्लास चेक भी चिड़िया चेक दी खड़ी आई असा ते यो सुने। सही, यानी कि शुरू तो ही काफी सपोर्ट करे ने ते माशाल्लाह तुसा हुण तक ओ सिलसिला अपना जारी रखिया होया है, अगी ते क्या उम्मीद है कित्थां देखदे वे अपने आप को? बस अल्लाह ताला जिवें बेहतर करेसन, फिलहाल तो अपनी जिहड़ी क्वालिफिकेशन है उसको वधावण दा इरादा है, मतलब मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट विच करन दी पियां बैचलर दी डिग्री हासिल करन दी पियां, उस तो बाद जिवें मतलब अल्लाह ताला नूं मंजूर है उस ते, बाकी ए मेरा नाल नाल रखण दा इरादा है क्योंकि ए मेरा पर्सनल इंटरस्ट है, मेरे को बहुत शौक है इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का,
सही। अच्छा मैं चाहसा कि तुसा अपनी जेड़ी स्पीच उथा कीती है उन्या कुछ लाइन दूतरे याद होवे तो सिर्फ दूतरे लाइन असा कोई सुनाओ। शेर या वाल नसर दम को जो करा दुहाई कोई एक अदा शेर ऐड कर दो विच एक अदी लाइन सुना दो। मैं वाल स्टार्ट सुनें पे तक ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा दिलकश लगता है कि इब्राहिम लिंकन एक गरीब किसान का बेटा था। अब्दुल मालिक असमा फाके करते हुए बड़ा आलिम बना। अलामा मोहम्मद इकबाल के वालिद गरीब दर्जी थे। लेकिन हमारे मुबाइसे का मंजरनामा तो आज की दुनिया है। मशाहीर आलम ने गुर्बत की भट्टी में तप कर सोने से कुंदन बनने के मराहिल तय किए थे। लेकिन हम अपने इर्द गिर्द मौजूदा हकीकत को झुटला तो नहीं सकते। हाथ खाली हो तो दानाई की तू बात न कर। हाथ खाली हो तो दानाई की तू बात न कर। ऐसी बातों का बड़े लोग बुरा मानते हैं। और मैं एंड मतलब कथा सुनाना चाहता कि जब मुफलिसी हुई तो शराफत कहाँ रही। जब मुफलिसी हुई तो शराफत कहाँ रही। वो कद्र जात की वो नजाबत कहाँ रही। ताजीम और तवाजो की बाबत कहाँ रही। कपड़े फटे तो लोगों में इज्जत कहाँ रही। मजलिस की जूतियों पे बिठाती है मुफलिसी। जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी। वेरी नाइस। जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। इतना अच्छा है कि कॉन्फिडेंस भी इतना है तो को जहरी गाले टू क्लास तो तुसा स्टार्ट की थे तो हुन तक नहीं तो होंगे ना कि काफी ऐसा भी स्टूडेंट लाइफ गुजारी है। लेकिन वो काफी शाये किस्म दिया लड़कियां होंगे कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी वरना। लेकिन ये देखो नाजरीन के जितना कॉन्फिडेंस तुसा मारिया दा देखते पे वे यो गाल होंगी है कि अगर असा भी अपने बालों को हमनी साबी सरगर्मिया दे विच हिस्सा गिनन वास्ते मोटीवेट करूँ तो सारे बालों दे विच वो कॉन्फिडेंस पैदा थी सी जिहड़ा उन्हां को अगी ते जिंदगी दे स्टेप बाय स्टेप अगी ते वंजन वास्ते उन्हां को बहुत मददगार साबित थींदे। ते तुहाडी जिंदगी भर तुहाडा कॉन्फिडेंस तो कम आ सी। हाँ जी। अच्छा क्या वालिदैन दे विचों कौन ज्यादा तक सपोर्ट करें दे। मेरे तकरीबन मेरी छोटी जी फैमिली है कुछ सारे मतलब एक भाई बहन अम्मी अबू चारों लोग बहुत सपोर्ट करें दे काफ़ी। बाकी फैमिली दे बाकी लोग भी बहुत सपोर्ट करें दे। मैं ये नहीं आख सकती भी कौन ज्यादा करें दे बाकी सारे सारे वो करें दे। सही। अच्छा तो ये दसाओ जेड़े तुसा मुकाबला विन किया तो होंगे जेड़े तक प्राइज मिले उनका तुसा क्या किते वाल। मैं फिलहाल तो संभाल के रखे हाली तक मतलब मैं को पहली दफा इतना ज्यादा प्राइज मिले तो मैं हाली सोचें दी भी मैं क्या करने क्योंकि इतनी उम्र है चित्ते बिल वजन तो सोचने च लग पे बंदा सोची पै बंदा क्या है की मैं खर्च करा क्या क्या गिना। ये भी सहने चाहता है कि मेरा ये प्राइज है मैं को याद रखना चाहिए इवें मैं छोटी मोटी चीजें खत्म कर छोड़ा तो यह भी चंगी गल कहनी वाल ज्यादा सोचना पौता है कि मैं क्या करा इंदा पता वाल तुसा कोई ए जी चीज गिनो जेड़ी मुस्तकिल होवे तुहाडे कोल होवे जेड़ी तुहाको फायदा पहुंचेंदी रहे। फिलहाल तो मशवरे में मिलते पे लेकिन हाली ये भी सोचना भी कि नहीं आप ना ये वाली चीज ले लो फलानी चीज ले लो इसको आप रख लेना आपको सारी जिंदगी आप उसको सामने रखोगी तो आपको याद आएगा। टीचर्स ये भी करेंगे ना ये भी आदि जो अपना प्राइज विन किया सा भी तो है तैयारी कराइए दुआवा की ट्रीट वगैरह उस अलावा वाल बच्चे जो वालों मशवरा देंगे कि चीज़ प्रेफर करो तो टीचर्स जी मैं खेने तो